उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्वीट डिश, मीठे में सागुदाना, जो बच्चों को बहुत पसंद है और बड़े बुजुर्ग सबके लिए बहुत ही फेवरेट ये चीज है सागुदाना। तो आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी, इसकी बहुत ज्यादा फायदियत है, बहुत फायदे है इसके बच्चों को, छोटे बच्चों को जो दांत निकालते हैं, छोटे 6 माह के और साल के बच्चे, आप उनको बना के दें घर में माए, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रोटीन है, दूध में बनता है ये सागुदाना। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। चलते हैं हम सागुदाना बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, नए आने वाले, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें जल्दी से, कमेंट में भी मुझे जरूर आप लोग बताया करें। आए बिस्मिल्लाह करते हैं। चले आए व्यूअर्स, अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको मैंने कच्चा था, बॉयल करने के लिए रख दिया था, इसको तकरीबन एक जोश आ चुका है। तो ये मैंने तकरीबन 1 प्याली साबूदाने के लिए इसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल दिया था ताकि ये फूल जाए, वो इसको अच्छी तरह धो लिया था हल्के से पानी से। तकरीबन ये चीनी आपके सामने ये देखें, इसके हिसाब से ये तकरीबन 1/2 प्याली चीनी है ये जाएगी, और टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद है, नॉर्मल चीनी ठीक है। तो व्यूअर्स, अब दूध को जोश आ गया है तो इसके अंदर मैं ये साबूदाना डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा ये नरम भी सॉफ्ट भी हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी पानी के साथ इसको डाल दूंगी। अब इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे इसके अंदर, या आप लोग अपने घर में बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं बच्चे सबको बना के दे, खुद भी खाएं, बहुत ताकतवर ये चीज है, फादियत इसकी बहुत ज्यादा है, छोटे बच्चों के लिए खासकर ये रेसिपी बहुत मजे की बनेगी और पसंद भी बच्चे करेंगे, आप लोग बना के बच्चों को खिलाया करें। जो बच्चे कमजोर हैं, आप लोग घरों में कहते हैं कि बच्चे नहीं दूसरी चीजें खाना वगैरह ज्यादा शौक से खाते हैं, तो आप लोग बच्चों को डेली ये बना के दें, दूसरे दिन एक दिन छोड़ के बना के दे सकती हैं। इसके अंदर आप लोग बादाम वगैरह पीस के डाल सकते हैं। अब इसको जोश आएगा और इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह ये फूल चुका है थोड़ा थोड़ा, देखें पानी के अंदर इसको मैंने भिगो के रखा था 1-2 मिनट पहले। चीनी हम इसके दरमियान में डालेंगे, इसके शुरू में चीनी नहीं हम डालेंगे। अब इसको एक जोश आ रहा है, देखें इसको मैं पकाऊंगी, फ्लेम फिर मैं हल्का कर दूंगी, जैसे हम खीर बनाते हैं इस तरह हल्का हल्का हम इसको 5-10 मिनट तक पकाएंगे, थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसकी असल शक्ल। अब इसको जोश आ गया है व्यूअर्स, तो इसकी मैं फ्लेम इसका हल्का कर दूंगी। अब हम हल्के फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच फेरते जाएंगे और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा और पक भी जाएगा अच्छे तरीके से, फूल जाएगा। और जितने मेरे व्यूअर्स बहन भाई देख रहे हैं मेरे चैनल पर, नए आए हैं वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी है, और आप लोग भी जरूर बना के देखा करें, बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ आसान तरीके से, तो जरूर बनाया करें। चले अब इसको मैं तकरीबन 7-8 मिनट तक इसको पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ असल शक्ल इसकी। बस अब तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको मैंने पका लिया, खीर की तरह ये बिल्कुल बन गया है जैसे खीर को हम बनाते हैं। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी, चीनी हमने एंड पे डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, जितनी पसंद है कम ज्यादा डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बादाम या काजू वगैरह है वो भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है, ताकत वाली चीज है ये, ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर विटामिन ऐड हो जाएंगे, तो बच्चों को आप लोग जरूर ये बना के दें। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल खीर की तरह ये बन गई है, अच्छे तरीके से मैंने इसको हल्की आंच पे बनाया है, तकरीबन 8-10 मिनट तक पकाया है। अब इसको ज्यादा थिक और नहीं करना हमने, बस इतना बिल्कुल ठीक है, दूध सारा तकरीबन ये खुश्क हो चुका है।
बस चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए इसके अंदर अच्छे तरीके से। ये देखे साबूदाना भी दाने इसके नजर आ रहे हैं, अब दूध खुश्क हो गया जैसे खीर के चावल नजर आते हैं इसी तरह बिल्कुल बन गई है। ये बिल्कुल खीर है साबूदाने की, बच्चों को बहुत ताकत वाली चीज है ये, आप खुद भी खा सकते हैं। जिन औरतों को मेरी जितनी बहन है या भाई कमजोरी महसूस होती है आजकल, हर किसी को कैल्शियम की, वाइटामिन, प्रोटीन, आयरन वगैरह की कमी डॉक्टर बताते हैं, तो आप लोग घर में ये बना के हफ्ते में एक दो बार जरूर खाएं तो बहुत आपको फायदा होगा इसके। तो अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर मैं इसको आप निकाल के दिखाती हूँ बोल में। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आपने खीर की तरह बस बनाना है, तो इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। 15-20 मिनट में ये बिल्कुल तैयार रेसिपी हो जाती है। अब इसको मैं बोल में डाल के दिखाती हूँ आपको। अभी बहुत गर्म है, बहुत एहतियात से हम लोगों ने इसको डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस देखें, ये मैंने आपको साबूदाना बना के दिखाया आज, तो आप लोगों ने जरूर बना के देखनी है ये रेसिपी। स्वीट डिश है ये, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आती है। बुजुर्गों को भी घर में बना के दें, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है ये। सर्दियों में बहुत ज्यादा इसका फायदा है, तो आप लोग जरूर बनाना, आप लोगों ने ट्राई करनी है ये डिश, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना है। चलो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, सब देखने वालों, जितने भी बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बच्चे देख रहे हैं, गर्ल्स वगैरह, जितने स्टूडेंट हैं सब, तो आप लोगों ने आज की ये डिश देखी है, स्वीट डिश, तो आप लोगों ने जरूर बना के देखनी है और इसको खाना भी है, और मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि कैसी बनी साबूदाने की डिश आज मैंने आपको बनाना सिखाई है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से साबूदाना बनाना सीखा है, तो जरूर आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट करके, और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी परेशानियां दूर करे, तो सब बीमारों को शफा दे, और दुआ में मुझे भी याद रखे। अब इंशाल्लाह मैं कल नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।